कहानी की शुरुआत में हमें एक कपल केट और माइक को एक बड़े से व्हाइट रूम में घूमता हुआ दिखाया जाता है। इस रूम में सभी चीजें व्हाइट कलर की थी। दरअसल केट और माइक पर वुआन नाम की एक डॉक्टर एक्सपेरिमेंट कर रही थी, जिसमें इन दोनों को इस व्हाइट रूम में लगातार 50 दिनों तक बिना बाहर आए रहना था, और अगर वो दोनों उस रूम में 50 दिन तक रुक गए तो उन्हें $5 मिलियन यानी 40 करोड़ रुपए इनाम के तौर पर मिलेंगे। लेकिन अगर उन दोनों में से किसी एक ने भी हार मानी तो ये इनाम घटकर $1 मिलियन यानी 8 करोड़ रुपए ही रह जाएगा। इस एक्सपेरिमेंट के रूल के हिसाब से इस रूम में उन दोनों के अलावा और कोई नहीं रहेगा, ना ही वो किसी से मिल पाएंगे, और इनके पास एंटरटेनमेंट का भी कोई जरिया नहीं होगा। अब ये दोनों बहुत खुश थे, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि ये पैसे कमाने का सबसे आसान तरीका है। यहाँ पर ये आपस में डिस्कस करने लगते हैं। केट माइक से कहती है कि मैं इन $5 मिलियन से अपने सारे सपने पूरे करूंगी। वहीं माइक इन पैसों को पार्टीज में उड़ाने का प्लान बनाता है और केट से कहता है कि इतना पैसा आने के बाद हमें कभी भी पैसों के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। थोड़ी देर बाद उनको एक AI डिवाइस की आवाज आती है, जो उन्हें यहाँ के रूल्स के बारे में बताती है कि अब वो लोग एक इमैक्यूलेट रूम में हैं। इस रूम में उनके पास सिर्फ एक बेड, एक बेंच और एक सिंपल सा बाथरूम था, जहाँ पर एक मॉनिटर लगा हुआ था जिसमें इस रूम में रहने के सारे रूल्स लिखे हुए थे, जिनमें से एक रूल ये लिखा हुआ था कि एक टाइम पर एक ही इंसान बाथरूम का इस्तेमाल कर सकता है। यहाँ दीवार पर एक रेड बटन भी था, जिसको प्रेस करके उनमें से कोई भी हार मानकर यहाँ से बाहर जा सकता था। वहाँ लगे मॉनिटर पर टच करके वो लोग अपने लिए खाने पीने का सामान मंगा सकते थे, और एग्जिट डोर के ठीक ऊपर एक बड़ी सी क्लॉक लगी हुई थी, जिसमें उनके 50 दिनों का टाइमर चल रहा था। इस रूम में कैट और माइक के लिए डेली न्यूट्रिशन का एक डिजाइनर बॉक्स आता था, जिसमें उनके खाने पीने का सामान होता था। रूम की लाइट्स रात होने पर ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती और सुबह होने पर ऑटोमेटिक ऑन भी हो जाती थी। इस रूम में समय के साथ साथ सुबह, दोपहर, शाम और रात होने की अनाउंसमेंट AI डिवाइस से की जाती थी, जिसका मतलब होता था कि अब उन्हें आराम करना चाहिए। स्क्रीन पर टच करके वो अपने लिए अलार्म भी लगा सकते थे। माइक यहाँ ऐसे रहने लगता है जैसे कि उसके वेकेशन चल रहे हों, इसलिए वो हर रात देर से सोता था। वहीं केट अपने लिए एक अलार्म सेट करती है ताकि वो अपना एक रूटीन बना सके। अब वो दोनों अपनी पहली रात यहाँ एक ही बिस्तर पर बिताते हैं। सुबह होते ही केट नहाने के लिए बाथरूम में जाती है और वहाँ शीशा देखती हुई खुद को कहने लगती है कि हमें इस चैलेंज को हर हाल में जीतना है। नहाने के बाद वो अपने कपड़े बाथरूम की लॉन्ड्री में धोने के लिए दे देती है, जिसके बदले में उन्हें सिंपल सा प्लेन पजामा और टी शर्ट मिलती हैं। वो दोनों आपस में मस्ती करते हुए कहते हैं कि चलो, इन लोगों ने कम से कम उन्हें रंगीन कपड़े तो दिए। कुछ टाइम बिताने के बाद केट सोचती हुई माइक से बोलती है कि आखिर डॉक्टर वुआन ये एक्सपेरिमेंट क्यों कर रही है। माइक केट से बोलता है कि मुझे इसके बारे में नहीं पता, उन दोनों को बस इतना पता था कि उन्हें 50 दिनों तक यहाँ रहना है, जिसके बदले उन्हें 40 करोड़ रुपए मिलेंगे। इसके बाद माइक और केट खुद को बिजी रखने की कोशिश करते हैं। केट अपना मन शांत करने के लिए मेडिटेशन करने लगती है। वहीं माइक घूर घूर कर उस क्लॉक की ओर देख रहा था जिसमें 50 दिन का टाइमर चल रहा था। बैठे बैठे माइक अजीब अजीब सी बातें सोचने लगता है, जैसे कि यहाँ की दीवारों का रंग सफेद ही क्यों किया गया है। केट उसे बार बार कहती है कि उसे लगातार उस क्लॉक की ओर नहीं देखना चाहिए, बल्कि उसे यहाँ टाइम बिताने के बाद मिलने वाले 40 करोड़ रुपए के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन माइक के लिए ये बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि वो कुछ दिन से सही से अपनी नींद भी पूरी नहीं कर पा रहा था। वहीं केट अपना डेली रूटीन जारी रखती है और वो माइक का ध्यान उस क्लॉक से हटाने के लिए उसे कुछ टाइम रनिंग करने को कहती है। जब केट मेडिटेशन कर रही होती है तो माइक भी उसे देखकर रनिंग करने लगता है। इसके बाद टाइम पास करने के लिए वो दोनों बच्चों वाले गेम्स खेलने लगते हैं और साथ ही डांस करते हैं। यहाँ पर जैसे ही वो दोनों अपने कपड़े लॉन्ड्री में धोने के लिए देते हैं तो वापस उन्हें वही सेम पजामे मिल जाते हैं। ऐसे ही कुछ हफ्ते बीत जाने के बाद कुछ ऐसा होता है कि माइक को उस रूम में एक कीड़ा दिखता है और वो उससे बात करने लगता है। माइक उसे खाना खिलाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो फर्श पर अपने मिल्क शेक की कुछ बूंदे गिराता है, तभी AI डिवाइस की आवाज आती है, जो उसे कहती है कि ये खाने पीने का सामान सिर्फ तुम दोनों के लिए है। माइक यहाँ पर थोड़ा परेशान हो जाता है और उस AI डिवाइस से कहता है कि ये कीड़ा यहाँ भूख की वजह से मर जाएगा, इसलिए मैं बस इसे यहाँ से बाहर निकालने की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। केट माइक को समझाने की कोशिश करती है कि जिस स्पीकर से AI डिवाइस की आवाज आती है वो दोबारा किसी चीज को नहीं दोहराता, लेकिन माइक केट से कहता है कि मुझे इस कीड़े को बाहर निकालना ही पड़ेगा, वरना ये यहीं पर मर जाएगा। इतना कहता हुआ वो उस रूम में लगे रेड बटन की ओर जाने लगता है। यहाँ पर इन दोनों के बीच बहस होने लगती है। केट कहती है कि वो बटन दबाने पर हम ये चैलेंज हार जाएंगे और उन्हें यहाँ से खाली हाथ बाहर निकाल दिया जाएगा। हालांकि माइक बाहर नहीं जा रहा था, वो बस उस कीड़े को बचाने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद माइक उस कीड़े को नीचे रखकर केट को कहता है कि ये कीड़ा
कीड़ा एक लिविंग थिंग है और तुम्हें इस पर जरा सी भी दया नहीं आ रही। जिस पर केट उससे कहती है कि तुम्हें ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि तुम एक वेजिटेरियन इंसान हो। ऐसे ही काफी देर तक इनकी बहस चलती है और गुस्से में केट वहां से आगे बढ़ने लगती है कि तभी बातों ही बातों में गलती से उसका पैर उस कीड़े के ऊपर टिक जाता है, जिससे वो कीड़ा वहीं पर मर जाता है। केट माइक से बोलती है कि ऐसा उससे गलती से हुआ है, लेकिन माइक ये मानने को तैयार नहीं होता और गुस्से में आकर वो एक कोने में अपना पूरा दिन बिता देता है। इस रूम के रूल्स के अकॉर्डिंग उन्हें 2 ट्रीट्स लेने की परमिशन थी, इसलिए माइक केट से कहता है कि मैं अपनी एक ट्रीट लेने वाला हूं। केट उसे याद दिलाती है कि ऐसा करने से उनके प्राइज मनी से $1,00,000 कम हो जाएंगे, इसलिए वो माइक को ऐसा करने से मना करती है। लेकिन फिर भी माइक अपनी ट्रीट लेने चला जाता है और बदले में उसे एक ग्रीन कलर का स्केच मिलता है। माइक कहता है कि इससे तो उसका कुछ होने वाला नहीं है, फिर भी कम से कम अब दीवार पर आर्ट बनाकर टाइम पास तो कर ही सकता हूँ। अब जैसे ही कैट उसे दीवार पर ड्राइंग करते हुए देखती है तो वो उससे खुद का पोर्ट्रेट बनाने को कहती है, जिस पर माइक भी उसका पोर्ट्रेट बनाने लगता है। काफी टाइम बाद केट बोर होकर यहाँ से चली जाती है क्योंकि वो माइक के लिए एक मॉडल नहीं बनना चाहती थी। वहीं माइक तब तक ड्राइंग करता रहता है जब तक वो उस स्केच को खत्म नहीं कर देता। वो पूरे बाथरूम और टॉवल को ग्रीन स्केच से पूरा भर देता है। इस वजह से केट बहुत परेशान हो जाती है और माइक से अपने पहले के रूडली बिहेवियर के लिए सॉरी बोलती है। लेकिन यहाँ पर इन दोनों के लिए एक अच्छी बात ये थी कि अब 50 में से सिर्फ 20 दिन ही और बचे थे। ऐसे ही इनके इस रूम पे दिन बीतते जाते हैं और एक सुबह अचानक केट को बाथरूम में एक गन मिलती है। ये दोनों हैरान और परेशान हो जाते हैं कि ये गन आखिर यहाँ कैसे आई। बाथरूम से वो गन उठाकर ये दोनों बेड के नीचे फेंक कर उसे छुपा देते हैं क्योंकि AI डिवाइस ने उन्हें लॉन्ड्री में कपड़ों के अलावा और कोई चीज देने से सख्त मना किया था। कुछ दिनों बाद इन्हें कुछ रिवॉर्ड मिलता है जिसमें इनको एक फैमिली और फ्रेंड्स के मैसेज दिखाए जाते हैं। माइक अपनी सिस्टर का मैसेज देखता है जो उसे बताती है कि वो कैसी है और मॉम डैड कैसे हैं। अपनी बहन को देखकर माइक बहुत खुश होता है, लेकिन जब केट को उसके डैड का वीडियो मैसेज दिखाया जाता है तो उसके डैड कहते हैं कि अब वो रोड पर नहीं बल्कि एक शेल्टर में रह रहे हैं। केट उस वीडियो को रुकवाना चाहती थी लेकिन उसके कई बार कहने पर भी वो वीडियो नहीं रुकता। तभी वो बाथरूम की ओर जाती है और वहाँ जोर जोर से रोने लगती है। माइक उसे चुप कराने की कोशिश करता है। इसके थोड़ी देर बाद वो दोनों एक साथ लिपट कर सो जाते हैं। अब जैसे ही सुबह अलार्म बजता है तो केट बेड से नहीं उठती क्योंकि वो डिप्रेशन में चली गई थी। जब माइक उससे ना उठने की वजह पूछता है तो वो उसे बताती है कि उसने अपने डैड को कई सालों बाद देखा था और वो हमेशा माइक से झूठ बोलती रही कि उसके डैड नहीं है क्योंकि वो अपने डैड को लेकर बहुत शर्मिंदा थी। वो माइक को बताती है कि उसके डैड बहुत ज्यादा ड्रिंक करते थे और उसके स्कूल की फीस भी नहीं भरते थे। माइक केट से कहता है कि अब हमारे इस रूम में 50 दिन पूरे होने में सिर्फ 2 ही हफ्ते बचे हैं, लेकिन केट अभी भी बेड पर ही पड़ी हुई थी। माइक उसे एंटरटेन करने के लिए नए नए तरीके आजमाता है लेकिन इससे कैट पर कोई असर नहीं होता और फिर वो खुद भी कैट के साथ बेड पर लेट जाता है, लेकिन इससे भी कैट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ये देखते हुए माइक जमीन पर जाकर लेट जाता है। नेक्स्ट डे माइक केट को उनकी बची हुई एक और ट्रीट लेने के लिए कहता है, लेकिन केट उसे ये कहकर मना कर देती है कि वो और पैसों को खोना नहीं चाहती, जिससे माइक फ्रस्ट्रेट हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि अब वो केट की मदद नहीं कर पाएगा। कि तभी केट बेड से उठती है और माइक से उसकी दूसरी ट्रीट मांगने के लिए कहती है, भले ही उनका $1,000,000 का नुकसान हो जाए। तभी माइक दूसरी ट्रीट के लिए मॉनिटर पर टच करता है जिससे उस रूम का डोर ओपन होता है और एक नेकेड लेडी रूम के अंदर आती है जिसका नाम साइमन होता है। उसको ऐसे नेकेड देखकर माइक हैरान हो जाता है। साइमन भी डॉक्टर वुआन के इस एक्सपेरिमेंट के बारे में कुछ नहीं जानती थी क्योंकि वो सिर्फ एक एक्ट्रेस थी जिसे इस काम के लिए पैसे दिए गए थे और वो पूरे महीने के लिए यहाँ बुक थी। साइमन को इस रूम में केट और माइक के साथ सिर्फ 24 घंटे ही गुजारने थे। केट माइक से कहती है कि वो अपनी टी शर्ट उतार कर साइमन को दे दे ताकि वो थोड़ा बहुत अपने आप को कवर कर सके। साइमन माइक की ड्रॉइंग को देख कर उसकी तारीफ करने लगती है जिससे केट को और भी ज्यादा गुस्सा आता है। रात होने पर माइक उन दोनों लड़कियों को बेड पर सोने के लिए कहता है और खुद जमीन पर सो जाता है, जिसके बाद केट को इन दोनों की हरकतों से बहुत ज्यादा चिढ़ हो रही थी, इसलिए वो माइक को भी बेड पर सोने के लिए बुला लेती है और खुद इन दोनों के बीच में सो जाती है। यहाँ पर पूरी रात केट को चैन से नींद नहीं आती और सुबह जब वो उठती है तो वो देखती है कि साइमन बेड पर नहीं है। ये देखकर वो सोचती है कि शायद साइमन यहाँ से जा चुकी है, लेकिन दरअसल साइमन बाथरूम में थी और वहाँ वो बिना कपड़ों के नेकेड घूम रही थी। केट ये चीजें और झेल सकती थी इसलिए वो शांत रहती है। इसके बाद वो तीनों रूम में यहाँ वहाँ डांस करना स्टार्ट कर देते हैं, एक दूसरे को किस करने लगते हैं। इससे माइक को इतना ज्यादा नशा चढ़ जाता है कि उसे हेलुसिनेशन होने लगते हैं। उसे अपने हर तरफ खून ही खून दिखता है। माइक अपने आप को पानी में डूबता हुआ देखता है। वहीं
पानी में उसे अपना छोटा भाई भी दिखता है जो उसके साथ ही डूब रहा था। इसी बीच केट और साइमन माइक को होश में ले आती हैं, लेकिन वो अभी भी पैनिक कर रहा था और जोर जोर से रोने लगता है। वो बार बार एक ही चीज रिपीट कर रहा था कि मेरे भाई शॉन को डूबने से बचा लो। केट उसे किसी बेड पर ले जाकर सुला देती है, जिसके बाद साइमन केट से पूछती है कि वो और माइक कैसे मिले थे, जिस पर केट बताती है कि वो लोग एक बारिश वाले दिन मिले थे। उसके पास अम्ब्रेला नहीं थी, तभी माइक उसके पास आया और उसने उसे भीगने से बचाया। यहाँ पर ये दोनों आपस में ऐसे काफी टाइम बातचीत करती रहती हैं। थोड़ी देर बाद माइक जग जाता है और साइमन के पास जाकर बैठ जाता है, जहाँ वो दोनों अपनी अपनी लाइफ के बारे में बातें करने लगते हैं। साइमन बताती है कि उसने अपनी मदर को बचपन में ही खो दिया था। यहाँ पर ये दोनों अपने अपने फैमिली मेंबर्स के गम को शेयर करने लगते हैं, जिससे इन दोनों के बीच बॉन्ड और अच्छा हो जाता है। साइमन माइक का हाथ पकड़कर उसे रिलैक्स फील करवाती है कि तभी पीछे से केट आकर उन दोनों को एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए देख लेती है। अब केट का गुस्सा सातवें आसमान पर चला जाता है, क्योंकि वो पहले से ही उन दोनों की नजदीकियों को बहुत झेल रही थी। केट साइमन को बोलती है कि तुम शुरू से मेरे बॉयफ्रेंड को मुझसे छीनने की कोशिश कर रही हो। इस बात पर साइमन भी केट पर गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि तुम एक इनसिक्योर लड़की हो, जिसे अपने बॉयफ्रेंड पर जरा सा भी विश्वास नहीं है। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे पर चिल्लाना शुरू कर देते हैं। तभी माइक गुस्से में आकर इन दोनों पर चिल्लाता है और यहाँ से जाने लगता है। थोड़ी देर बाद केट साइमन से माफी मांगने की कोशिश करती है, लेकिन साइमन उसके गुस्से को ये कहकर और भड़का देती है कि उसने माइक के साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया था। नेक्स्ट मॉर्निंग जब माइक उठता है तो वो कुछ ठीक फील नहीं कर रहा था। अब साइमन भी इस रूम से जा चुकी थी, लेकिन जाने से पहले उसने यहाँ माइक के लिए एक मैसेज छोड़ दिया था, जिसमें लिखा था कि पहले कभी किसी ने मुझसे इतना प्यार नहीं किया। केट ये मैसेज माइक को दिखाती है और उस पर भड़कने लगती है कि तुम मुझे चीट कर रहे हो। माइक केट को समझाता है कि जो भी साइमन ने लिखा है वो सब झूठ है। वो कहता है कि इस रूम में ये सब जानबूझकर किया जा रहा है ताकि वो दोनों आपस में लड़ें और हार मान लें। गुस्से में केट माइक को धक्का मार देती है, जिससे उसका सर दीवार से टकरा जाता है और उसके सर से खून बहने लगता है। माइक केट से दूर चला जाता है और उसे कहता है कि उसने कभी भी उसे धोखा नहीं दिया, तब भी नहीं जब वो न्यूयॉर्क चली गई थी। वो हमेशा चाहता था कि केट कभी भी अनकंफर्टेबल फील ना करे, इसलिए उसने अपने कई सारे दोस्तों से मिलना छोड़ दिया। उसने अपने कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी नहीं की ताकि वो केट के साथ घर पर रह सके। जब वो डिप्रेस थी तब भी वो उसके साथ था, और इन सब के बदले में उसे क्या मिला? बस उसका शक और नफरत। यहाँ पर केट माइक से माफी मांगती है कि मुझसे गुस्से में ऐसा हो गया। तभी माइक को बहुत अजीब सा फील होने लगता है। वो कहता है कि उसे डॉक्टर की जरूरत है। केट जल्दी से उसके लिए मिल्क शेक लाती है और एक टॉवल से उसके सर की चोट को कवर करती है, जिसके बाद वो माइक को कहती है कि उनके इस रूम के कॉन्ट्रैक्ट में मेडिकल रिसोर्सेज के बारे में नहीं लिखा। माइक ये सुनकर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर पाता कि वो केट से क्या सुन रहा है। वो केट से पूछता है कि क्या सच में तुम्हें मेरी इस चोट की चिंता है। दरअसल माइक की चोट काफी छोटी सी थी और धीरे धीरे उसे खून आना बंद भी हो जाता है, लेकिन माइक ये बात सोचकर बहुत परेशान होता है कि क्या होता अगर केट गुस्से में उस पर और ज्यादा घातक हमला करती। शायद अब तक तो उसकी मौत भी हो चुकी होती। वो केट से कहता है कि पैसों के लिए वो उसे जान से भी मार सकती है। अब माइक केट से कहता है कि बाढ़ में गया पैसा, मुझे इस रूम से सबसे ज्यादा नफरत हो गई है। माइक डिसाइड करता है कि वो यहाँ से बाहर चला जाएगा। केट उसे बाहर जाने से मना करती है और कहती है कि अगर वो यहाँ से बाहर जाने की कोशिश करेगा तो वो उसे शूट कर देगी। माइक उसकी इस बात को इग्नोर करता हुआ रेड बटन दबा देता है और व्हाइट रूम से बाहर निकल जाता है, जबकि उसके 50 दिन होने में सिर्फ चंद ही दिन बाकी थे। माइक के यहाँ से जाने के बाद केट सो जाती है और पूरा दिन उदास रहती है, जिसके बाद वो माइक की पेंटिंग देखते हुए उसे याद करती है। केट के अब इस रूम में सिर्फ 2 ही दिन बचे थे, जिससे वो इस चैलेंज को जीत जाती। लेकिन केट 2 दिन पहले ही उस रेड बटन को दबाकर यहाँ से बाहर निकल जाती है। कुछ महीने बाद हम माइक को जॉगिंग करते हुए देखते हैं, जो अब सिंगल था। जॉगिंग करते वक्त वो केट की बिल्डिंग के पास से गुजरता है। रास्ते में अचानक वो केट से मिलता है। यहाँ हमें पता चलता है कि उस रूम से बाहर आने के बाद कई महीनों तक ये दोनों एक दूसरे से मिले भी नहीं थे। इसके बाद ये दोनों यहाँ से साथ मिलकर डिनर पर जाते हैं। रास्ते में माइक केट से पूछता है कि क्या उसने उस रूम का रेड बटन दबा दिया था। केट इसका जवाब नहीं देती, लेकिन वो जो कुछ भी हुआ उसके लिए माइक से माफी मांगती है। जब वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं तब कैमरा एक बिल्डिंग पर फोकस करता है, जिस पर ये साफ साफ लिखा था कि इस बिल्डिंग का निर्माण एक बहुत बड़े डोनेशन से हो पाया है, जिसके डोनर ने अपना नाम नहीं बताया। मूवी के एंडिंग में हम देखते हैं कि उसी रूम में एक नया कपल इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और ये मूवी यहीं पर खत्म।